नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। सिंगरौली जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अनिश्चितकालीन बंद कर ज्ञापन सौंपा गया है। विदित हो कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मांग की है कि कोरोना काल में स्कूल लगातार बंद रहे हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मान्यता नवीनीकरण के लिए निरीक्षण करवाया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2020-21 और 2021-22 की मान्यता का नवीनीकरण किया गया, उसी प्रकार इस बार भी कक्षा पहली से बारहवीं तक मान्यता का नवीनीकरण किया जाए। साथ ही समस्त प्रकार के टैक्स एवं बिजली बिल, बैंकों के किश्त माफ किए कराए जाने समेत अन्य कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि 13 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालक अपने संकुल स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होंगे और विद्यालयों की चाबी जिला शिक्षा अधिकारी और भोपाल लोक शिक्षक संचालनालय को सौंपेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान जिले के तमाम प्राइवेट स्कूलों के संचालक उपस्थित रहे। सर, आपका नाम? डॉक्टर सुनील तिवारी। सर, किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्ट्रेट में? मैं जिला सिंगरौली का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में आज समस्त स्कूलें बंद थी और ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद थी, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है। जैसे स्कूल खोलने का परमिशन नहीं मिल रहा है, आरटीई में जो है फीस नहीं मिल रही है, आरटीई में सीट घटा दिए और इस तरह से बीच बीच में आदेश जारी कर गार्जियन और बच्चों के बीच में, गार्जियन और विद्यालयों के बीच में एक सरकार सस्पेंस पैदा करती है। इसी बात को लेकर के आपने इसी बात को लेके आज हम लोगों ने सस्पेंस इसलिए, कभी कि आपको ट्यूशन फीस लेना है, कभी कभी नहीं लेना है, कभी आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, कभी नहीं पढ़ाना है, इस तरह से तमाम विसंगतियां पूर्वक आदेश निकालते हैं। तो कितने बच्चों का वही सुविधा लगा हुआ है? पूरे सिंगरौली जिला में 1200 प्राइवेट स्कूलें हैं, 30,000 बच्चे हैं और अगर हम लोगों की मांग नहीं मांगे मांग हम लोगों की मांग अगर नहीं मानते हैं, हम लोग फिर जिला शिक्षा अधिकारी को अपने स्कूलों की चाबियां सौंप देंगे, जिससे हमारे स्टाफ बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग अपने गाड़ियों बस की EMI नहीं दे पा रहे हैं और स्कूल का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, टीचरों को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं और सरकार उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि अगर कुछ भी प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो एजुकेशन प्रभावित है। मैं कुल ले करके जो 30,000 बच्चे हैं उनका भविष्य दाव पर लगा हुआ है और साथ में शिक्षा विभाग के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और बच्चे बच्चों को जो पढ़ाते हैं हमारा स्टाफ वो भी जो है बेरोजगार हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में आखिर हम लोग क्या करें? लास्ट ये होगा कि अपनी चाबी आप जो शिक्षा अधिकारी को दे करके संस्थान को बंद कर देंगे। हाँ, आज के ज्ञापन के बाद सरकार अगर हम लोगों की मांग पर उचित कार्यवाही नहीं करती तो हम लोग उसके लिए बात हो जाएंगे।